गुड मॉर्निंग बच्चों, बायोलॉजी डॉट कॉम में आपका स्वागत है। अगला कीट जो हम पढ़ने वाले हैं वो उसका नाम है खपरा भृंग या खपरा बीटल। खपरा बीटल, खपरा बीटल का वैज्ञानिक नाम है ट्रोगोडर्मा ग्रेनेरियम। ट्रोगोडर्मा ग्रेनेरियम, बार बार इसको दोहराओगे तो आपको याद हो जाएगा, ट्रोगोडर्मा ग्रेनेरियम। साथ में बोले आप मेरे साथ, ट्रोगोडर्मा ग्रेनेरियम, ट्रोगोडर्मा ग्रेनेरियम। ये जितने भी हम अपने घर में जो स्टोर्ड फूड होता है या बड़े बड़े जो भंडार गृह होते हैं वहाँ जो स्टोर्ड इकट्ठा किया हुआ जो फूड होता है, खाना होता है, जो दाने होते हैं, गेहूँ, बाजरा, जौ, चना, मक्का, धान, इन सब पर लगने वाला कीट है खपरा भृंग। ठीक है, खपरा बीटल, ट्रोगोडर्मा ग्रेनेरियम। इसका जो गण है, चूंकि भृंग है बीटल है, तो बीटल किस में आते हैं? हमेशा कॉलियोप्टेरा गण में। गण कौन सा है इसका? कॉलियोप्टेरा। और इससे पहले मैंने वीडियो में बताया कि कॉलियोप्टेरा क्या है, सबसे बड़ा गण है, सबसे बड़ा गण है। अगर जंतु जगत का सबसे बड़ा गण बोला जाए कब, तो वो कौन सा है? कॉलियोप्टेरा है। सबसे बड़ा वर्ग कौन सा है जंतु जगत का? वो है इंसेक्टा, कीट वर्ग। अच्छा, सबसे बड़ा संघ कौन सा है? सोचिए, सबसे बड़ा संघ है आर्थ्रोपोडा। ठीक है, इसका जो कुल, खपरा भृंग जो है उसका कुल है डर्मेस्टिडी। कौन सा है? डर्मेस्टिडी, डर्मेस्टिडी। ठीक है, बात करें खपरा बीटल की उत्पत्ति का, तो ये भारत से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। इसकी जो उत्पत्ति स्थल है वो भारत है, लेकिन ये पूरे भारत में तो इसका विस्तार है ही है। भारत के साथ साथ भारत के आसपास या उस क्षेत्र में, उस बेल्ट में जितने भी देश हैं वहाँ यह जो कीट है वो बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, जैसे चीन, नेपाल, म्यांमार, बांग्लादेश, ठीक है, इंडोनेशिया, ऐसे सभी देशों में इस खपरा बीटल की पर्याप्त संख्या पाई जाती है। ज़्यादातर यह उन देशों में पाया जाता है जहाँ का औसत तापमान 32 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। कितना? 32 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड वाले जो औसत तापमान वाले जो देश हैं, यानी यूँ आप कह सकते हो कि विषुवत रेखा और कर्क रेखा के जो मध्य के क्षेत्र में जो देश पाए जाते हैं वहाँ खपरा बीटल की अधिकांश मात्रा पाई जाती है। इसके पोषी पौधे कौन से हैं, यानी कि ऐसे कौन से पौधे, ऐसे कौन से दाने हैं जिनसे ये पोषण प्राप्त करता है? तो ये गेहूँ, जौ, बाजरा, ज्वार, मक्का, धान, चना, दालें, इसके अलावा जितने भी ड्राई फ्रूट्स, काजू, पिस्ता, बादाम, उन सब का यह पोषण प्राप्त करता है उन सब से, इसलिए वो इसकी पोषी फसलें हैं, पोषी भाग हैं। ठीक है, तो जहाँ पर भी हम इनको, गेहूं, जौ, चना, बाजरा, इनको हम स्टोर करते हैं वहाँ ये बीटल हमें आसानी से नज़र आ जाता है। ठीक है, इसकी क्षति की बात करें, किस तरह ये हमें क्षति पहुंचाता है, तो ज़्यादातर इसका प्रकोप जो है वो जुलाई से अक्टूबर में होता है। बहुत महत्वपूर्ण है, याद करना है, इसका सर्वाधिक प्रकोप वर्ष के कौन से माह में होता है? जुलाई से अक्टूबर महीने में इसका, जुलाई से प्रारंभ होकर अक्टूबर माह तक लगभग इसका, क्योंकि हमने देखा है इसका तापमान, इसका औसत तापमान, इसको अधिकतर जो तापमान पसंद है वो है 32 से 40 डिग्री, और हम जानते हैं जुलाई से लेकर अक्टूबर माह में अधिक तापमान भी होता है और पर्याप्त नमी भी पाई जाती है, इसलिए इस मौसम में इसका जो है सर्वाधिक प्रकोप होता है। इसकी जो सर्वाधिक प्रकोप करने वाली जो भाग है इसके जीवन चक्र का, वो है लार्वा। सर्वाधिक नुकसान जो करता है वो होता है लार्वा। केवल लार्वा ही अवस्था ऐसी है इसकी जो क्षति पहुंचाती है, इसके वयस्क और इसकी प्यूपा अवस्था किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचाती। ये नुकसान, ये क्षति पहुंचाते किस तरह हैं? तो जो गेहूं का, बाजरा, धना, चान, जो भी है, चना जो भी है, उन सबके दानों के भीतर यह प्रवेश कर जाता है और भीतर के इसके जो भाग होते हैं बीज के, भीतर के जितने भी बीज के भाग हैं, जैसे भ्रूणपोष हुआ, भ्रूण हुआ, उस भाग को ये खाकर
नष्ट कर देता है और बीज जो है वो खोखले रह जाते हैं। कैसे रह जाते हैं? खोखले रह जाते हैं। ऐसे बीजों को यदि हम बोएं तो क्योंकि इनका जो भ्रूण है वो तो ये खा चुके होते हैं, नष्ट हो चुका है, तो ऐसे में वो बीज जो है वो बेकार हो चुके होते हैं, वो पोषण की दृष्टि से भी बेकार हो चुके हैं और उनको आगे उनसे किसी तरह की कोई फसल भी नहीं प्राप्त होती है। तो इस तरह हमने देखा किस तरह यह नुकसान करता है, बीजों के अंदर प्रवेश करके बीजों के अधिकांश भाग को खा जाता है और केवल एक खोखला कर्नेल बाकी रह जाता है, खोखला भाग बाकी रह जाता है बीजों में। आइए बात करते हैं इसके जीवन चक्र की, किसके जीवन चक्र की, ठीक है। क्योंकि बीटल्स है, कोलियोप्टेरा के जितने भी कीट हैं उनका जीवन चक्र चार अवस्थाओं में पूरा होता है। कौन कौन सी चार अवस्थाएं? सबसे पहले वयस्क, वयस्क से अंडे, अंडों से लार्वा और लार्वे से प्राप्त होता है प्यूपा, प्यूपा पुनः वयस्क में परिवर्तित होता है। तो इस तरह ये चार अवस्थाओं में इनका जीवन चक्र पूरा होता है, वयस्क, अंडा, लार्वा और कोषित या प्यूपा अवस्था, ठीक है। सबसे पहले वयस्क की बात करें, यहाँ वयस्क में हम वयस्क के लक्षणों को जानेंगे कि आखिर आप उस कीट को देखो और आप उसे पहचानो तो कैसे पहचानो, आपको उसके सामान्य लक्षण मालूम होने चाहिए। आइए जानते हैं उसके कुछ सामान्य लक्षण। यहाँ आपके सामने एक चित्र आया होगा जो इसके वयस्क का है, किसका? खपरा बीटल जो है उसके वयस्क का ये चित्र है। वयस्क में आप देख रहे हैं ये कैसे रंग का है, गहरे भूरे रंग का, या यूं कहे ये कत्थई लाल रंग का होता है, कत्थई रंग का होता है, भूरा और लाल रंग के मध्य का सा काले, हल्का काला नजर आता है, ठीक है। इसके जो आकार की बात करें तो यह आकार में बहुत छोटा होता है, आकार में बहुत छोटा होता है, इसका आकार 2 से 3 mm ही होता है। इसमें भी इसका जो नर है वो मादा से आधे आकार का ही होता है, यानी कि इसकी जो मादा है वो अधिक बड़ी होती है, उसकी लंबाई लगभग 4 mm होती है, जबकि इसके जो वयस्क नर हैं वो मादा से लगभग आधे आकार के ही होते हैं, यानी कि लगभग 2 mm आकार के ही ये होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में आप दूसरा चित्र देख रहे हो, ये जो चित्र है इसके लार्वा का है, कैसा है? लार्वा, ये जो लार्वा है यह है हल्के भूरे रंग से लेकर गहरे लाल रंग, कत्थई रंग का होता है, इसका रंग जो है वो हल्के भूरे से लेकर गहरे लाल रंग का या कत्थई रंग का तक होता है। दूसरी चीज आप इसके पूरे शरीर पर देखो, इसके पूरे शरीर पर सीधे कड़े बाल पाए जाते हैं, इसके पूरे शरीर पर कैसे पाए जाते हैं? लंबे लंबे कड़े बाल पाए, कड़े से मतलब यहाँ सीधे, इसके शरीर पर एकदम सीधे बगैर मुड़े हुए एकदम कड़क सीधे बाल पाए जाते हैं जो इसके पूरे शरीर पर नजर आ रहे हैं। तो इस बालों वाली अवस्था द्वारा आप इसके लार्वा को आसानी से पहचान सकते हैं। लार्वे का जो आकार है वो लगभग 4 mm होता है, कितना होता है? लगभग 4 mm का होता है। तो यह आकार में यह भी छोटा होता है, पूरे शरीर पर बाल पाए जाते हैं जो लंबे कड़े होते हैं और यह हल्के भूरे से लेकर गहरे कथई लाल रंग का ये पाया जाता है। तो इस तरह आप इन दोनों को देखकर, इस तरह इनके आप वयस्क को और लार्वा को देखकर पहचान सकते हो। फिर बात करें इसके जीवन चक्र की, तो इसका जो वयस्क है, वयस्क मादाएँ जो है वो मैथुन द्वारा स्पर्म प्राप्त करती है और उसके बाद में वो अंडे देना प्रारंभ करती है, लगभग 1 से 3 दिन बाद, मैथुन के लगभग 1 से 3 दिन बाद अंडे देना प्रारंभ करती है। मादा जो है, इनमें मादाएं अपने जीवन काल में 120 से लेकर 150 तक अंडे अपने जीवन काल में ये देती है। बात करें अंडे देती कहाँ है, तो ये जो दाने हैं, जो गेहूँ, जो ज्वार, बाजरा, धान, चना, इनके जो दाने होते हैं उन दानों पर एक तरफ या तो एकल अवस्था में एक 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 अंडे उनके ऊपर चिपका देती है, या फिर 3 से 5 के समूह में, उस दाने पर 3 से 5 के समूह में अंडे देकर ये चली जाती है। तो प्रत्येक दाने पर औसत 1 से लेकर 5 तक के अंडे पाए जा सकते हैं, ठीक है। इनके जो अंडे हैं वो बहुत छोटे बिंदु आकार के होते हैं
और 2 से 5 के समूह में ये पाए जाते हैं। इनके जो अंडों का जो इनक्यूबेशन टाइम है, इनका जो परिपक्वन काल है, वो अंडे 3 से 5 दिन में परिपक्व हो जाते हैं। लेकिन चूंकि यह जो कीट है वो वर्ष भर सक्रिय रहता है, तो इनके जो अंडों का परिपक्वन का जो समय है वो अलग अलग है। गर्मियों में ये 3 से 5 दिन में ही परिपक्व हो जाते हैं, इनका इनक्यूबेशन पीरियड 3 से 5 दिन ही होता है। लेकिन सर्दियों में चूंकि तापमान कम होता है और हीट चाहिए अंडों के इनक्यूबेशन के लिए, तो उसमें ज़्यादा समय लगता है, 6 से 10 दिन। तो याद करना है, गर्मियों में 3 से 5 दिन इनका इनक्यूबेशन पीरियड है और सर्दियों में 6 से 10 दिन का इनक्यूबेशन काल, इनक्यूबेशन पीरियड इनका होता है। तो इस समय 3 से 5 दिन या सर्दियों में 6 से 10 दिन के बाद इनका जो अंडा है उसमें से लार्वा बाहर निकलता है। क्योंकि कॉलियोप्टेरा में सभी बीटल्स होते हैं और बीटल्स के लार्वा को ग्रब कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्रब, GRUB, ग्रब कहा जाता है। लार्वा बाहर आता है और लार्वा जो है फिर इन दानों द्वारा लगातार पोषण प्राप्त करता रहता है और पोषण प्राप्त करके लगभग 20 से 30 दिन में ये प्यूपा अवस्था में बदल जाता है। यहाँ भी आपको एक बात याद रखनी है, इनका जो नर होता है वो तो कम समय में लगभग 20 से 30 दिन में प्यूपा अवस्था में बदल जाता है, लेकिन इनकी जो मादाएं हैं वो अधिक समय लेती है परिपक्व होने में। जो मादा का जो लार्वा होगा वो 30 से 40 दिन में जाकर प्यूपा अवस्था में बदलता है। ये अधिक समय तक लार्वा अवस्था में रहती है मादा अवस्था, ठीक है। फिर प्यूपा जो है इनकी बिल्कुल अक्रिय अवस्था होती है, जो बीज के अंदर ही रहती है, बीज के भीतर ही प्यूपा अवस्था का निर्माण होता है। इनका जो प्यूपा है वो 4 से 6 दिन में फिर से वयस्क में परिवर्तित हो जाता है। इस तरह है जो खपरा बीटल है वो अपने जीवन काल में, सॉरी, एक वर्ष में 4 से 5 पीढ़ियां बनाता है। एक वर्ष में कितनी पीढ़ियां बनाता है? 4 से 5 पीढ़ियां खपरा बीटल की होती है। तो इस तरह बच्चों आज हमने जो कीट पढ़ा वो था खपरा बीटल, जिसका वैज्ञानिक नाम क्या है याद कीजिए, ट्रोगोडर्मा ग्रेनेरियम। क्या नाम था? ट्रोगोडर्मा ग्रेनेरियम। गण इसका है कॉलियोप्टेरा, कुल है इसका डर्मेस्टिडी। भारत इसका उत्पत्ति स्थल है, अधिकांशतः ये 32 से 40 डिग्री टेम्परेचर वाले क्षेत्र में पाया जाता है और जो भंडारित जो अनाज होता है उन्हें ये नुकसान पहुंचाता है जुलाई से अक्टूबर माह में। केवल लार्वा अवस्था जो है इसकी अधिक घातक अवस्था है। तो इस तरह बच्चों आज का ये जो टॉपिक है वो यहीं समाप्त होता है। वीडियो अगर आपको पसंद आते हैं तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।